ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन और या फिर हमारी फैमिली, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डे वन जो कि भाई आज होने जा रहा था। और पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो गाइस डे वन इंडिया में पता है आपको भाई, इंडिया के लिए तो वो डे टू हुआ, तो इंडिया के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू को पेपर का नाम डे टू रखना चाहिए, वो जो भी है, लेकिन हम लोग बात करने जा रहे हैं डे वन की फाइनल भी नहीं, मतलब आप लोग कह सकते हैं लास्ट आवर्स प्रेडिक्शंस के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सो फैमिली, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और मेरा नाम है दीपांकर कांटपाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल रेसल कर। डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो भाई, डे वन में अच्छे अच्छे मैचेस तो एडवर्टाइज्ड हैं, लेकिन भाई एक दिक्कत ये हो गई कि भाई ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा फैल रहा है अमेरिका में इस वक्त, और इसी चक्कर से मेरे हिसाब से स्मैकडाउन भी नहीं हुई आज की। और भाई रॉ में भी सेथ रॉलिंस कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत डब्ल्यूडब्ल्यू को फेस करनी पड़ रही है। लेकिन भाई फिर भी आप लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई वो लोग मतलब आ रहे हैं, कम से कम कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि भाई ओमिक्रॉन वापस नहीं आना चाहिए, मतलब ओमिक्रॉन वापस मतलब जो भी है ओमिक्रॉन नहीं आना चाहिए भाई। देखो क्योंकि आपको पता है यार भाई, देखो बिना फैंस के मज़ा नहीं आता है, वापस थंडर में डब्ल्यूडब्ल्यू आएगी मज़ा नहीं आएगा। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट प्रेडिक्शन के ऊपर चलता हूँ। तो पहले एक किक ऑफ मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने एडवर्टाइज कर दिया, जिसके लिए मेरा ज़्यादा खास इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन ठीक ठाक एक मैच हो सकता है जो कि है सिजारो और रिकोसिया वर्सेस सेमस और रिज होलैंड के बीच में। तो इसमें यहाँ पे मतलब जीतते हुए आप लोगों को सिजारो और रिकोसिया जीत जाएंगे, वो आपको जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके बाद आप लोगों का मेन शो आता है। मेन शो में सबसे पहले हम लोग रॉ वुमेंस चैंपियनशिप के मैच के बारे में बात कर रहे थे जो कि होने वाला है बैकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन के बारे में। तो ये रिवाइवल आप भी बहुत समय से जानते हो कि भाई चल रही है और बहुत मतलब खींची भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक पेस में चल रही है रिवाइवल। और लिव मॉर्गन चाहती हैं रॉ वुमेंस चैंपियनशिप पर उन्हें मिल नहीं पा रही है और उन्हें मिल भी नहीं पाएगी। सॉरी जो लिव मॉर्गन के फैन है, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि लिव मॉर्गन नहीं जीतने वाली है। मेरी प्रिडिक्शन है बैकी लिंच अपना टाइटल रिटेन कर लेंगी, और मेरी प्रिडिक्शन हर बार सही रहती है ज़्यादातर, तो बैकी लिंच अपना टाइटल रिटेन कर लेंगी क्योंकि भाई बैकी लिंच रेसलमेनिया तक तो अपना टाइटल ले जाने वाली है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं उसोज वर्सेस न्यू डे के मैच के बारे में जो कि होने जा रहा है स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। और भाई देखो मतलब इसका रिजल्ट आप लोग लग रहा होगा कि भाई न्यू डे हरा रही है, लेकिन भाई न्यू डे हार जाएगी। ब्लड लाइन का टाइटल मतलब आप लोग कह सकते हो कि भाई हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि भाई उसोज हार सकते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि यहाँ पर उसोज जीतेंगे। लेकिन हाँ, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को रोमन रेंज और उसोज के बीच में भी कुछ पंगेबाजी दिखानी है तो उसोज हार सकते हैं, मतलब मैं आप लोग को कभी बताऊंगा मेरा ये कहने का क्या मतलब था। जिसके बाद मतलब हाँ, इसका जो मैंने रिजल्ट बताया वो है कि उसोज अपना टाइटल रिटेन कर जाएंगे। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ड्रू मैकइंटायर वर्सेस मैट कैप मॉस के मैच के बारे में। तो देखो भाई, इस मैच में ड्रू मैकइंटायर आप लोग को क्लियरली जीतते हुए जा सकते हैं, कोई चांसेस नहीं है। एक आप लोग मतलब 1% चांस ही ले सकते हैं कि बैरन कॉर्बिन इंटरप्ट कर दें तो मैट कैप मॉस जीत जाएं, जो कि नहीं होने वाला है, ठीक है। जिसके बाद हम लोग बात करें रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए आर के ब्रो वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मैच के बारे में। और ये मैच बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि दोनों भाई फेस वाले सुपरस्टार हैं। और भाई इसमें अगर हम लोग को टाइटल चेंज देखने को मिला और देखने को मिल सकता है, तो मतलब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखो यार आर के ब्रोस है डब्ल्यूडब्ल्यू तोड़ सकती है, क्योंकि अभी जनवरी आ चुका है तो डब्ल्यूडब्ल्यू को रेसलमेनिया में भाई इनकी फ्यूड भी करानी होगी, तो यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स आप लोग को जीते हुए दे सकती है। मतलब मेरी प्रिडिक्शन ये है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीतनी चाहिए, जिससे कि आपको रैंडी ऑर्टन और रिडल की फ्यूड देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत हो गया मतलब इन लोगों का एक टाइटल। अब मेरे हिसाब से रैंडी ऑर्टन को एक सिंगल मतलब एक आपका सिंगल करियर वो आप करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। और तो मेरी प्रिडिक्शन मतलब मेरे यहाँ पे विनर्स हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स। जिसके बाद हम लोग अगले मैच की बात कर लें जो कि होने जा रहा है मिज वर्सेस एच के बीच में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच। तो जैसा कि आपने देखा भाई, मरीज की इंटरप्शन की वजह से भाई एच पे अटैक हो जा रहे थे, ठीक है, आप लोगों ने देखा ये चीज़ मतलब। और लास्ट टाइम भाई मिज ने मतलब मिस पे और मरीज पे भाई यहाँ पे काला पेंट पेल दिया भाई यहाँ पे एज ने, जैसा कि सेथ रॉलिंस पे मारा था वैसा ही कुछ मतलब पेंट डाला है यहाँ पे एज ने। तो देखो इसमें एक मतलब आप लोग कह सकते हैं मिस कैसे जीत सकते हैं, मिस ऐसे जीत सकते हैं कि भाई मिस को मरीज हेल्प करे, लेकिन मिस के साथ मरीज है तो भाई यहाँ पे आप लोग की एज की वाइफ भी हैं भाई पीछे से, तो एज की वाइफ अपना रिटर्न करेंगी बहुत टाइम के बाद और वो अटैक कर देंगे हमें मरीज पर, और एज जीत जाएंगे मतलब हमें मिस से, तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा हमको। और मेरा यहाँ पे विनर मैं रखता हूँ एच को, ठीक है। जिसके बाद हम लोग को बात कर लेते हैं फेटल फोर वे मैच के बारे में जो कि होने जा रहा है बिग ई वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस आप लोगों के बॉबी लेस्ली फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। मतलब ये फेटल फोर वे करना ही था, तो सेथ रॉलिंस को फेटल फोर वे मैच में लड़ाया ही क्यों, मतलब भाई सेथ रॉलिंस को पहले फेटल फोर वे मैच में लड़ाया
वो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट जीते, उसके बाद फेटल फोर में मैच वो वापस हो चुका है। तो भाई सेथ्रोलिस यार मतलब क्या चल रहा है, सेथ्रोलिस तो कह ही रहे होंगे कि भाई मुझे मारो मतलब WWE आलो यार थोड़ा तो कम से कम बंदे को करो, जो मेरे को शिकायत इसी से रहने दो, बढ़िया मैच है अभी फेटल फोर मैच। तो देखो कितने लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें टाइटल चेंज बहुत हाइप बनी है, बहुत मतलब ऐसा हो रखा है। मैं बता दूं तुम लोग को, कोई टाइटल चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है भाई सुन लो बात, नहीं होने वाला है कोई टाइटल चेंज। देखो भाई टाइटल चेंज हो सकता था, लेकिन अगर WWE ये रेसलमेनिया का पोस्टर निकाल रखा ना WWE ने, तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई WWE बिग ई को रेसलमेनिया तक तो WWE चैंपियन ले जाने वाली है, क्योंकि भाई देखो बिग ई रेसलमेनिया के पोस्टर में एडवर्टाइज्ड हैं, बिग ई एडवर्टाइज्ड है। मतलब भाई देखो पिछले बार ड्रू मैकइंटायर WWE चैंपियन थे और वो रेसलमेनिया के पोस्टर में एडवर्टाइज्ड नहीं थे, और अगर बिग ई एडवर्टाइज्ड नहीं होते तो गाइस ये गारंटेड था कि भाई यहाँ पे बिग ई नहीं जीतने वाले हैं। लेकिन अब तो भाई देखिए जीतने के पूरे चांसेस लग रहे हैं मेरे को। हाँ भले ही सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में जाके जीत जाए, लेकिन मैं अपना विनर यहाँ पे बिग ई को रखना चाहूँगा, भले ही सेथ रॉलिंस को हम लोग चाहते हैं एज अ WWE चैंपियन, लेकिन मैं अपना विनर भाई यहाँ पे रखना चाहूँगा आप लोगों के बिग ई को। जिसके बाद हम लोग अपने मेन इवेंट जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज के बीच में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए दूसरी बार, पहली बार क्राउन जूल में, दूसरी बार अब डे वन में। तो भाई देखो कल को ये मैच होगा, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हाइप्ड मैच है, सबसे ज़्यादा मतलब हाइप इसी मैच के लिए बनी है, ठीक है। तो डे वन भाई आधे से ज़्यादा बंदे तो ये इसी मैच के लिए देख रहे होंगे। तो देखो इस मैच का रिजल्ट ना देखो दो तरीके से निकल सकता है, पहला रिजल्ट ब्रॉक लेसनर जीत जाए, ब्रॉक लेसनर कैसे जीत जाए, ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन की वजह से जीत जाए, पॉल हेमन रिटर्न करें, रोमन रेंज पे अटैक करें और ब्रॉक लेसनर बन जाए चार बार मतलब फोर टाइम यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन अभी भाई सैमी जेन भी तो है नंबर में, सैमी जेन अपना कार्यक्रम कर दें और अगर वो ब्रॉक लेसनर पे अटैक कर दें तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर हार जाएंगे और रोमन रेंज अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे। लेकिन मैं अपना विनर यहाँ पे प्रिडिक्ट करता हूँ रोमन रेंज को, क्योंकि रेसलमेनिया में मेरे हिसाब से WWE की प्लान ये है कि रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर करानी है। अब मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन है कि भाई यहाँ पे रोमन रेंज जीत जाएंगे। अब तो भाई शब्द भी निकलने और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन चुका है, तो आज का ये वीडियो यहीं तक था। डे वन देखने के बाद भाई इसी वीडियो में वापस आना और कमेंट करना अगर मेरी प्रिडिक्शन सही होगी, और गलत हुई तो कमेंट मत करना, मतलब कर देना फिर भी जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन हमेशा सही रहती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।